सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ये कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी से गठजोड़ तोड़ देना चाहिए, चूंकि वो भी जयप्रकाश के आंदोलन से ही निकले हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी से। सांसद जी, अखिलेश यादव का इस तरीके का बयान, सीधा कहना है कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ ले। देखिए, अखिलेश जी की या तो ऐतिहासिक जानकारी दुरुस्त नहीं है या फिर वो तथ्यों के साथ जानबूझ करके खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का परवर्ती संस्करण, उसने जयप्रकाश जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस आंदोलन को चलाया। नानाजी देशमुख, उनका हाथ घायल हुआ, उनके सर पर लाठी जब चलाई, कांग्रेस के लोगों ने चलाई, और जेलों के अंदर भी जाने का जो अभियान था उसके अंदर सबसे अधिक भागीदारी यदि किसी की थी तो जनसंघ उससे जुड़े हुए लोगों की थी। तो और जयप्रकाश जी के आंदोलन की जहाँ तक बात है, उससे कुछ और भी लोग निकले हैं भाई, उससे लालू यादव जी भी निकले हैं, उससे मुलायम सिंह जी भी अपने को उससे जुड़ा हुआ मान सकते हैं। तो ये तो ऐसा हुआ कि शायद जयप्रकाश जी तो कभी मानते नहीं होंगे, सोचते भी नहीं होंगे कि भ्रष्टाचार के आधार पर, जातिवाद के आधार पर कानून व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए शासन करने वाले व्यक्ति उनको अपना प्रेरक बताएगा। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वास्तव में यदि अखिलेश जी को इस पर कुछ आपत्ति है तो आपत्ति उन्हें इस बात पर करनी चाहिए कि जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, जिसके कारण से सारा संघर्ष हुआ, या जयप्रकाश जी का आंदोलन समग्र क्रांति का एक सूत्र लेकर के जो चला, उसको उस कांग्रेस के साथ जो उनका प्यारा प्यारा गठबंधन है इस समय, तो किसको किससे लगवाना चाहिए, ये सोचने की बात है। हम तो अपने सिद्धांत के साथ खड़े हुए हैं। नीतीश जी, उन्होंने एक अच्छा प्रशासन बिहार को दिया और बहुत सीमा तक जयप्रकाश जी जैसा चाहते थे वैसा बिहार को बनाने की कोशिश की। उसको यदि बिगाड़ने का काम किया तो लालू जी ने किया, उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह जी और उनके सुपुत्र ने किया। तो वो स्वाभाविक, भाजपा और नीतीश जी स्वाभाविक मित्र हैं, और यदि छोड़ने की बात है तो कांग्रेस को छोड़ करके अखिलेश यादव जी को बाहर आना चाहिए। इस तरीके का ऐसे वक्त में बयान देना कि मुझे वहां से रोक दिया गया, मुझे वहां नहीं जाने दिया गया, नहीं नहीं, वो देखिए, जो कोई नौटंकी करने के लिए निकला है, उनकी आस्था जयप्रकाश जी में नहीं है, उनकी आस्था जयप्रकाश जी के द्वारा स्थापित मूल्यों में नहीं है। वो कुछ ना कुछ, जैसे गांधी जी को, महात्मा गांधी को, मैं अब ऐसा शब्द कहना नहीं चाहूंगा, उनका इस्तेमाल करके कांग्रेस ने लाभ उठाया, गांधी जी के रास्ते पर नहीं चली। इसी प्रकार से जयप्रकाश जी का नाम लेकर के उसका लाभ उठाने के लिए इनकी कोशिश है, जयप्रकाश जी के मार्ग पर ये नहीं चले। और तीसरा उदाहरण अरविंद केजरीवाल का भी है। अन्ना हजारे आज भी दुखी होते हैं, पछताते हैं कि मैंने कैसा ये उसमें से हीरा उत्पन्न हो गया मेरे आंदोलन में से। ये जो चीजें हैं, जो डेविएशन है, ये जो डाइवर्शन है, इसको समझने की बात है। और वास्तव में इस प्रकार के आंदोलनों के जिन लोगों ने विरासत को अपने साथ लेकर के चला है, वो उसमें भाजपा है, उसके अंदर नीतीश है, उसमें मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी या लालू जी या तेजस्वी यादव, ये लोग नहीं है। बड़े होने के नाते कोई अखिलेश यादव को सलाह देना चाहेंगे? सोच समझ करके बोला करें। हमेशा चुनावी राजनीति, हमेशा जो है कुछ अपने वोटों का हिसाब, इससे निकल करके देश हित में, प्रदेश हित में वो सोचें तो वो एक बेहतर योगदान कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ है। किस तरीके से अखिलेश यादव को नसीहत भी दे डाली और सीधा आरोप लगाया है उन्होंने, ये नौटंकी करने जा रहे हैं, जयप्रकाश जी के अंदर इनकी कोई आस्था नहीं है, और अगर इतनी चिंता है तो फिर कांग्रेस के साथ इतनी नजदीकियां या उसके साथ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।